हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल यूपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ये वाटर पंप है इसका स्विच कैसे चेंज करेंगे। ये है कूलर का वाटर पंप जो पानी उठाता है और ठंडी हवा देता है, तो इसका स्विच कैसे चेंज करेंगे हम। ये स्विच ख़राब हो चुका है, वैसे ये यहाँ से ठीक लग रहा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। मोटर नहीं चल पा रही है। तो दोस्तों, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये खोल लेने हैं, यहाँ से इसमें पेच होते हैं लगे हुए, तो हम यहाँ से खोलते हैं और इसको भी खोलते हैं यहाँ से। और दो पेच ये हैं, इन दोनों को भी खोल लेने हैं। दोस्तों, आप अपने घर पे स्विच को चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मोटर ख़राब हो गई है, पहले आप इस स्विच को चेक करें और फिर मोटर को चेंज करें। तो मोटर हमारी ये ठीक है, तो हम स्विच को भी चेंज करेंगे। यहाँ से खोलते हैं इसको और यहाँ से इसको, तो इसमें पेच होते हैं लगे हुए, ये दो, और इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। खोलना कैसे है ये देखें दोस्तों। यहाँ पे देखिए, ये तार होते हैं लगे हुए, तो इनको ऐसे ही खोल लेने हैं। देखिए, जहाँ से आप खोलें वहीं पे लगा दें इसको। एक तार ये खोला हमने यहाँ से और एक तार हमने ये यहाँ से खोला। ये तार अलग है, एक मिलाया खुंटी में और एक तार ये दोस्तों इसमें को लग रहा है इसके साथ में, तो इसको भी हम लगाते हैं। और दोस्तों, ये जो तार हैं इन दोनों को आपस में कर लेने हैं, ये आपस में ही मिले हुए थे इस तरह से। तो अब हम ये स्विच लेंगे नया जो आप देख रहे हैं, तो हम इसको लगाएंगे। तो लगाना कैसे है दोस्तों, इसको यहाँ पे पेच खोल लें और इसमें लगा दें यहाँ पे। ये रहा दोस्तों, ये अच्छे से इसके अंदर को आ जाए ताकि स्पार्किंग नहीं हो और अच्छे से चल पाए। दोस्तों, अगर आपने ये कनेक्शन अच्छे से कर लिए स्विच के, जो आपकी कूलर की मोटर है वो भी नहीं जलेगी और अच्छे से चलेगी बहुत ज़्यादा। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको टाइट कर देते हैं। ये टाइट कर दिया हमने, इस तार को यहाँ पे कर दिया और एक तार बचा है, इस तार को यहाँ पे लगाना है। जो ये तार बचा है, ये जो आप देख रहे हैं, इस तार को यहाँ पे लगा देना यहाँ, और इसको भी दोस्तों अच्छी तरह से टाइट कर देना। दोस्तों, ढीला नहीं रहना चाहिए, ढीला रहता है तो स्विच भी बेकार हो जाता है और आपकी मोटर भी ख़राब हो जाती है। तो हमने इसको टाइट कर दिया अच्छी तरह से, और जिधर से ये सीधा है स्विच उधर से हम लगाए देते हैं। तो ये स्विच इधर से सीधा है और हम आपको लगा कर दिखाते हैं कि कहाँ पर फिट कर देना है इसको। यहाँ पर इसमें फिट कर देना है, ये लग चुका है दोस्तों। और फिर क्या करना है, ये जो पेच हैं इसको यहाँ पे ही खींच देने हैं। ये जैसे हमने इसको खोले थे वैसे ही लगा देने हैं, और ये भी यहाँ पे लगा देने हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा आसान तरीका है दोस्तों स्विच लगाने का, कूलर में या बोर्ड में। आप वीडियो देखकर लगा सकते हैं और ऐसे ही यहाँ पर इसको लगा देना है। ये देखें आप दोस्तों, स्विच चेंज करने के लिए आपको एक पेचकस की ज़रूरत होती है, और दोस्तों आपको एक स्विच लाना होता है दुकान पे से। ये 10 रुपये का कहीं भी मार्केट में मिल जाता है, तो आप ले सकते हैं। तो हमने इस तरह से दोस्तों स्विच लगा के इसके पेच भी कस दिए हैं। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें सभी लोगों के पास, ताकि सभी लोगों को पता चले ये था स्विच जो बेकार वाला जो हमने निकाला है। तो ये दोस्तों वैसे तो ठीक लग रहा है, यहाँ से चल भी ठीक रहा है, पर ये करंट नहीं दे रहा था, कहीं से लूज है। तो ये हमने चेंज कर दिया है, कूलर अच्छे से चलेगा। ये है कूलर का स्विच, इसमें रेगुलेटर नहीं होता है क्योंकि बड़ी मोटर होती है, तो ये बिना रेगुलेटर के ही चलता है। ये चटकने से इससे स्विच से ऑन ऑफ इससे ही होता है। ये है पानी वाली जो वाटर पंप होता है उसकी स्विच। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, दो स्विच लगा दिए हैं और इसमें दो ही स्विच लगते हैं। दोस्तों,
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की जानकारी।